प्रिय छात्रों नमस्कार, मैं अनुराग शुक्ला, सहायक आचार्य योग विषय, उत्तर प्रदेश राजर्षि टंडन मुक्त विश्वविद्यालय में आपका स्वागत करता हूँ। प्रिय छात्रों, पतंजलि योग सूत्र की श्रृंखला में आज हम द्वितीय अध्याय साधन पाद में पहुँच चुके हैं। पिछले दो सत्रों में हम लोगों ने सूत्र संख्या 1 से लेकर 32 तक का अध्ययन किया था। आज हम उसके आगे से शुरुआत करेंगे। आइए देखते हैं, 32 सूत्रों तक का अध्ययन हमने किया है, उसको आप पिछले जो हमारे रिकॉर्डिंग हुए हैं उसको आप देख सकते हैं, साइट पे पड़े हुए हैं विश्वविद्यालय के। अब उसके आगे से देखते हैं। तो पिछले सूत्र में हम लोगों ने यम नियम का वर्णन, अष्टांग योग का महर्षि ने वर्णन शुरू किया था, तो उसमें यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि अष्टांग योग के नियम अंतर्गत यम और नियम का वर्णन किया था। तो यम के अंतर्गत 5 चीज़ें थी, सत्य, अहिंसा, अस्ते, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह। नियम के अंतर्गत शौच, संतोष, तप, स्वाध्याय, ईश्वर और प्राणिधान आते हैं। आज उसके आगे से देखते हैं। तो हम महर्षि कहते हैं कि यम नियमों के पालन में कुछ व्यवधान आते हैं, तो उसी को यहाँ पर वर्णन करते हुए महर्षि सूत्र देते हैं। वितर्क बाधने प्रतिपक्ष भावनम, उन नियम और नियमों के पालन में अगर विरोधी भाव उठते हैं तो उनके प्रतिरोधी यानी उनके विपरीत के जो भाव हैं उनका स्मरण, उनका चिंतन हमें करना चाहिए, बार बार करना चाहिए, प्रतिपक्षी विचारों का चिंतन करना चाहिए। फिर प्रश्न उठता है कैसे करना चाहिए, तो महर्षि कहते हैं वितर्का हिंसादय कृतकारिता अनुमोदिता लोभ क्रोध मोह पूर्व का मृदु मध्य अधिमात्र दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावना। फिर इस सूत्र में महर्षि ने उन यम नियमों के पालन में जो रुकावटें, जो व्यवधान आ रहे हैं उनका कैसे उनको रोका जाए, उनके लिए क्या किया जाए, तो इस सूत्र में हम देखेंगे। तो महर्षि कहते हैं यम नियमों के पालन के समय उनके विरोधी भाव उठते हैं, जैसे सत्य के स्थान पर असत्य, अस्तेय के स्थान पर चोरी, ब्रह्मचर्य की जगह वासना, अपरिग्रह के स्थान पर संग्रह, शौच की जगह अशुद्धि, ये विरोधी भाव आते हैं। तो महर्षि क्या कहना चाह रहे हैं, तो जो भी यम और नियम के भाव हैं, जैसे सत्य के स्थान पर आपके मन में असत्य के भाव आएंगे, अस्तेय आएगा, ब्रह्मचर्य की जगह वासना बढ़ने लगेगी, ये सब यम और नियम जो हैं उनके विपरीत भाव आते हैं। तो उसके लिए महर्षि कहते हैं ये आएंगे, जब आप योग साधना में लगेंगे, योग मार्ग पे जाएंगे तो विरोधी भाव उठना स्वाभाविक है। महर्षि कहते हैं इनको रोकना है, इनको रोकना है तो क्या कहते हैं महर्षि, इन्हें वितर्क विरोधी तर्क कहा जाता है। तो ये कौन से तर्क उठ रहे हैं, वितर्क विरोधी, महर्षि ने इन्हें वितर्क विरोधी तर्क कहा है। फिर करना क्या है, ये 3 प्रकार के, तो फिर इनके प्रकार भी महर्षि ने बताया कि ये कृत, कारित और अनुमोदित। तो कृत क्या है, स्वयं किए हुए, कृत मतलब स्वयं आपने किया, कारित मतलब दूसरों से करवाए हुए, अनुमोदित यानी कि अनुमोदन किए हुए, ये 3 प्रकार के वितर्क उठते हैं। फिर क्या होगा, ये विचार क्यों आते हैं, इसका कारण महर्षि बताते हैं लोभ क्रोध मोह पूर्व का, सूत्र में देखेंगे लोभ क्रोध मोह पूर्व का, ये 3 जो चीज़ें हैं लोभ क्रोध और मोह, इस कारण ये विरोधी भाव जो यम और नियमों से आपको हटा रहे हैं, उनसे दूर ले जा रहे हैं, ये इन्हीं 3 कारणों से आते हैं, लोभ क्रोध और मोह। फिर क्या होता है, इनसे प्रेरित होकर मनुष्य ये तपस्या नहीं, योग मार्ग जो साधना करना है, तो उससे आप लापरवाही करने लगते हैं। इनसे प्रेरित वितर्क की मात्रा किसी में अल्प, किसी में मध्य तथा किसी में अत्यधिक प्रभावित करते। तो यहाँ पे देखिए मृदु मध्य अधिमात्र, ये किसी में जो लोभ है कम रहेगा, किसी में मध्य रहेगा, किसी में अत्यधिक। तो ये 3 चीज़ें जो आपको यम और नियमों के पालन से रोक रही हैं, अर्थात लोभ क्रोध और मोह, वो क्या होते हैं, 3 तरीके के होते हैं, 3 स्थिति में होते हैं, मृदु मध्य और अधि। अधि मतलब अधिक, मृदु मतलब अल्प, मध्य मतलब मध्यम स्थिति। 3 प्रकार के ये विकार होते हैं जो आपको योग मार्ग में बढ़ने से रोकते हैं। इन वितर्कों के प्रतिपक्ष विचारों की भावना करनी चाहिए। वितर्क के भाव दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले हैं,
तो महर्षि ने सूत्र में क्या कहा, दुख ज्ञानांत फला इति प्रतिपक्ष भावनं। ये जो लोभ क्रोध और मोह है, ये दुख और अनंत जन्मों के फल देने वाले हैं, इनके प्रतिपक्ष भावना, इनको रोकने के लिए इनकी प्रतिपक्ष भावनाओं का विचार करना चाहिए, ये महर्षि यहाँ पे कहते हैं। देखिए, दुख और अज्ञान रूपी अनंत फल देने वाले हैं। फिर क्या कहते हैं, इससे क्या होगा, ये पुनः आपको पतन की ओर ले जाएंगे, है ना, जिसको हम योग में नरक शब्द कहते हैं, या पुनर्जन्म की स्थिति में ले जाएंगे। योग क्यों किया जा रहा है, तो योग से पुनर्जन्म की अवस्था को आप दूर ले जाएंगे, वो बार बार ना आने पाए, उसकी तरफ बढ़ रहे थे। लेकिन ये क्या होंगे, ये लोभ क्रोध मोह आपको फिर से उसी बार बार ले जाएंगे, पतन की ओर ले जाएंगे। यही सब तो अभी तक किया गया, फिर वही किया जा रहा है। तो महर्षि कहते हैं, अभी तक तो आपने यही सब किया, कई जन्मों की यात्रा करते करते योग में आप लगे, तो फिर भी आप अभी तक जो कर रहे हैं फिर से उसी को में लग गए। तो महर्षि यहाँ प्रश्न उठते हैं, तो कहते हैं, हे मन, तो इनसे मुक्त होने के लिए आया है। महर्षि कहते हैं, तो वहाँ देखिए, पहले अध्याय में आपको याद होगा, तो महर्षि ने कहा था करना क्या है, योग कैसे करना है, तो योग के लिए योगश्चित्त वृत्ति निरोध, चित्त की वृत्तियों का निरोध, यानी कि मन का निरोध करना था। तो वही महर्षि कहते हैं कि मन तो इनसे मुक्त होने के लिए आया है, किस, फिर कहते हैं, किस महापुरुष की शरण में हो, किसकी शरण में आप जाएं, क्या अपने साथ गुरु महाराज के विमल कीर्ति पर प्रश्न लगाओगे। तो प्रश्न उठता है, महर्षि कहते हैं, अगर किसी योग्य गुरु की शरण में हो, जिनसे आपने योग मार्ग में चलने का दीक्षा ले लिया है, तो क्या इन विकारों को लेते हुए उनकी महिमा पे, उनके जो वाक्य हैं उस पर प्रश्न चिन्ह लगाओगे, उनके सम्मान पे प्रश्न चिन्ह लगाओगे। तो महर्षि कहते हैं, इसलिए ये जो विरोधी भाव आ रहे हैं, लोभ आ रहे हैं, क्रोध आ रहे हैं, मोह आ रहे हैं, इनको रोकने के लिए इनके प्रतिपक्षी भावनाओं का विचार करिए और योग में निरंतर आगे बढ़ते रहिए। मन को इस तरह से समझाना प्रतिपक्ष भावना। अब प्रतिपक्ष भावना क्या है, तो यही है, जैसे ही ये विकार आते हैं उनके विरोधी भाव को आप स्मरण करिए और उनसे बचते हुए आगे बढ़िए, योग मार्ग में लगे रहिए। आगे देखते हैं, फिर महर्षि कहते हैं, अब यहाँ से उन्होंने एक एक करके वर्णन शुरू किया, तो अब आज हम यहाँ पे यम के वर्णन को देखेंगे। तो यम का पहला जो अंग है वो क्या था, तो यम का पहला अंग अहिंसा है। तो महर्षि ने अहिंसा का वर्णन करते हुए कहा है, अहिंसा प्रतिष्ठायाम तत्सन्निधो वैर त्याग। अहिंसा की दृढ़ स्थिति हो जाने पर उस योगी के सन्निकट सभी प्राणी वैर का त्याग कर देते हैं, क्योंकि उनके चतुर दिक वायुमंडल शांत रहता है। तो अहिंसा केवल इतना नहीं कि हिंसा न करना, किसी को मारना, किसी को न पीटना ही, या इसको ऐसे समझिए, हिंसा न करना ही केवल अहिंसा नहीं है। अहिंसा का अर्थ यहाँ पे ये है कि जो योगी इस योग मार्ग में लगे हैं, यम का पालन कर रहे हैं, तो उन पर अहिंसा प्रतिष्ठित हो गई है, उनकी अहिंसा पूर्ण स्थिति में आती है, तो क्या होता है, तो उसके चतुर्दिक वायुमंडल शांत हो जाता है और उसके चारों ओर सभी प्राणी आपस में वैर को त्याग देते हैं। क्या है, ऐसे महापुरुषों के निवास स्थल आश्रमों की व्यवस्था भी विलक्षण होती है। अब एक उदाहरण हम समझेंगे, तो जब भगवान राम चित्रकूट पहुँचते हैं, तो बाबा तुलसी लिखते हैं कि कड़ी केहरी कपि कोल कुरंगा विगत बैर बिचरहीं समसंग। सभी जीव जंतु, हाथी, भालू, शेर इत्यादि आपस में बैर को त्याग देते हैं और साथ साथ विचरने लगते हैं। किसके प्रभाव से, श्री राम जी जब चित्रकूट पहुँचे तो उनके अहिंसा की पूर्ण अवस्था को प्राप्त होने के कारण ऐसा हुआ। तो एक योगी जो अहिंसा की पूर्ण अवस्था को प्राप्त किया है छात्रों, तो वो इस अवस्था में पहुँचने पर अहिंसा की सही स्थिति यह है कि उसके आसपास भी वातावरण शुद्ध हो जाएगा, उसके आसपास भी लोगों के मन शांत होने लगते हैं। तो योग का एक बहुत बड़ा प्रभाव क्या है, ये भी है। तो इस फिर आगे कहते हैं, गुरु महाराज अनुसुईया के बीहड़ वन प्रांत में निवास करते थे, जहाँ शेर भालू लंबे लंबे सर्पों का बाहुल्य था। तो अनुसुईया में एक संत थे, परमहंस महाराज जी, उनका यहाँ जिक्र आया है। तो जब वो उस आश्रम में निवास करने लगे, तो वहाँ
भालू शेर सर्प इत्यादि रहते थे उनके आश्रम में, किंतु इन जीवों द्वारा आश्रम परिसर में कभी कोई दुर्घटना नहीं घटी थी। यहाँ भी एक उदाहरण, तो जो स्थिति भगवान राम की थी वो भी एक तरह से एक योगी थे, संत थे, साधक थे, भगवान की अवस्था प्राप्त। वैसे परमहंस जी एक योगी थे, साधक थे और भगवान की अवस्था को प्राप्त हुए। तो ये स्थिति होती है एक मनुष्य योग के द्वारा इस अवस्था को प्राप्त करते हुए, योग की पूर्ण अवस्था को प्राप्त करते हैं, तो ये स्थिति आती है। भगवान महावीर स्वामी का एक उदाहरण है, उन्होंने निर्णय दिया है कि आत्मा को अधोगति में ले जाना जितने भी विकार हैं वह हिंसा के कारण है। महावीर स्वामी क्या कहे हैं, जैन धर्म के तीर्थंकर थे, उन्होंने अहिंसा के लिए क्या कहा, तो आत्मा को, अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाना, उसको नीचे की तरफ ले जाना, पतन की ओर ले जाना ही वास्तव में हिंसा है। उन्होंने हिंसा को यहाँ इस तरह से बताया है, विकारों का निरोध कर लेना ही विशुद्ध अहिंसा है। तो इन विकारों को जो आपको जैसे लोभ क्रोध मोह या आपके अंदर बने हुए हैं तो आपको पतन की ओर ले जा रहे हैं, जब इनसे आप ऊपर उठ जाएंगे तो वास्तव में विशुद्ध अहिंसा तब होता है जब इन विकारों से जो आपके अंदर है उनसे आप ऊपर उठेंगे, उनको रोक पाएंगे, तो वास्तव में आप अहिंसा को फॉलो कर पाएंगे। आगे देखते हैं, वास्तव में हिंसा का अर्थ किसी जीव को मारना मात्र नहीं है बल्कि आत्मपथ से विचलित हो जाना ही हिंसा है। तो योग मार्ग में योग की बात करेंगे तो आत्मपथ की तरफ आपको बढ़ना है, चित्त की वृत्तियों का निरोध करना है, तो उसके लिए क्या करना है, जो आपको आत्मपथ से विचलित कर रहा है वो वास्तव में आप हिंसा कर रहे हैं, जो आपको आत्मपथ की ओर ले जा रहा है वहाँ वास्तव में अहिंसा का पालन हो रहा है। आत्मपथ की ओर अग्रसर होना ही अहिंसा, यहाँ पे ये सूत्र आया भी है। अपने आत्मस्वरूप में प्रवेश जीव का परम कल्याण, अतः आत्मस्वरूप की सुरक्षा ही अहिंसा। तो जैसा महर्षि ने कहा, महावीर स्वामी ने कहा कि अपनी आत्मा को अधोगति में ले जाना ही वास्तव में हिंसा है और अपनी आत्मा को ही आत्मपथ की ओर अग्रसर कर देना ही अहिंसा है। तो योग मार्ग में हिंसा का मतलब, अहिंसा का मतलब यहाँ पे हमने समझा। आगे देखते हैं, महर्षि ने फिर बताया है दूसरा यम क्या है। तो महर्षि ने पहला यम अहिंसा का वर्णन, दूसरा है सत्य, अहिंसा सत्य अस्ते ब्रह्मचर्य अपरिग्रह यमा। तो दूसरा क्या है, सत्य। सत्य के लिए महर्षि कहते हैं, सत्य प्रतिष्ठायाम क्रिया फलाश्रयत्वम, सत्य की दृढ़ स्थिति हो जाने पे क्रिया के फल का आश्रय प्राप्त होता है। तो सत्य योग में या योग के जो भी योगी हैं, साधक हैं, उनके बारे में जब उनसे जब जानकारी मिलती है तो उन्होंने सत्य केवल दृष्टा या आत्मा है। यहाँ महर्षि ने क्या कहा है, सत्य केवल दृष्टा या आत्मा या जिसको परमात्मा कहते हैं उसको माना है। सृष्टि में अन्य जो कुछ है वह नश्वर, इस सत्य एकमात्र परमात्मा में भली प्रकार स्थिति आ गई, श्रद्धा केंद्रित हो गई, समर्पण सदा साधना गतिशील हुई तो क्रिया के फल का आश्रय प्राप्त होने लगता। तो फल क्या यहाँ पे है, अंततः फल किसको प्राप्त करना है, तो फल था योग को प्राप्त करना। तो योग किससे, आपने आत्म पथ पे चलते हुए आत्मा से योग करना है, वही परमात्मा है, तो योग में उसको प्राप्त करना है। तो यहाँ सत्य में प्रतिष्ठित होने पे क्या होगा, क्रिया के फल का आश्रय यानी कि परमात्मा का सहयोग मिलने लगेगा। क्रिया का फल है परमात्मा, उस पर ब्रह्म परमात्मा का आश्रय मिल गया, अर्थात भगवान विधिवत योग क्षेम करने लगते हैं। इसका उदाहरण हम कैसे देखेंगे, तो उदाहरण ये है गीता में अर्जुन को भगवान श्री कृष्ण ने विधिवत योग क्षेम किया, उनको पल पल पर साधक किया, उनका सहयोग किया, उनको आगे बढ़ा। तो वही यहाँ पे महर्षि ने कहा है कि क्रिया के फल का आश्रय प्राप्त होने लगता है। फिर तीसरा अंग क्या है, यम का तीसरा अंग है अस्ते। अस्ते के लिए महर्षि ने सूत्र दिया, अस्ते प्रतिष्ठायाम सर्वरत्नोपस्थानम, अर्थात अस्ते में प्रतिष्ठित होने पर सभी प्रकार के रत्न की प्राप्ति हो जाती है। तो प्रश्न उठता है किस प्रकार का रत्न मिलता है, तो एक साधक को किस प्रकार के रत्न की आवश्यकता है। तो महर्षि कहते हैं, इसको हम समझेंगे, प्रायः चोरी के अभाव को अस्ते कहा जाता है। तो आज वर्तमान में अस्ते किसको कहते हैं, चोरी न करना, चोर वृत्ति का अभाव ही अस्ते है। लेकिन जो योगी योग में लगा है उसके समक्ष अगर सभी रत्न प्रकट भी हो गए तो वो करेगा क्या,
प्रश्न उठता है कि योगी जो योग साधना में लगा है, योग की प्राप्ति में लगा है, महर्षि का यह ग्रंथ पूरी तरह योग की प्राप्ति के लिए लिखा गया था, महर्षि ने उसका वर्णन किया, तो वो लिखते हैं कि रत्न प्रकट हो गए तो योगी को क्या जरूरत उसकी। तो आपके शास्त्रों में फिर अपने उदाहरण देखते हैं हम, एक शास्त्रों में हमारे 14 रत्नों का उल्लेख है, आइए देखते हैं वो 14 रत्न क्या थे। मणि, रंभा, वारुणी, अमी, शंख, गजराज, कल्पद्रुम, शशि, धेनु, धन्वंतरी, ऐसे 14 रत्नों का वर्णन हुआ है अपने शास्त्रों में जो समुद्र मंथन से निकला है। तो अचौर वृत्ति दृढ़ हो गई है, योगी के समक्ष रंभा या वारुणी प्रकट हो गई तो वह क्या रहेगा क्या? उनके शांत एकांत भजन में वो भयंकर विघ्न ही तो डालेंगी। अगर योगी के समझ ये रंभा या वारुणी जो समुद्र मंथन से रत्न के रूप में निकली, ये विघ्न ही डालेंगी। यहाँ एक उदाहरण के लिए इसको हम संबोधित कर रहे हैं। फिर रंभा विश्वामित्र के समझ पहुँची तो उनका पतन हुआ, अतः अस्ते या रत्नों का आशय संगत प्रतीत नहीं होता है, बिल्कुल संगत प्रतीत नहीं होता है। फिर महावीर स्वामी से एक राजा ने प्रश्न किया, जैन धर्म के तीर्थंकर थे महावीर स्वामी, तो वो राजा ने प्रश्न क्या किया कि भगवान सदगृहस्थ आश्रम में रहते हुए हम लोगों का कल्याण कैसे हो, राजा थे उनको क्या जरूरत थी। लेकिन उन्होंने जब महावीर स्वामी से पूछा कि हमारा कल्याण कैसे हो, हम गृहस्थ लोगों का कल्याण कैसे हो, तो महर्षि ने क्या कहा, राजन त्रिरत्न को धारण करो। तो ये रत्न क्या थे जो महावीर स्वामी ने उन राजन को बताया, तो क्या थे, सम्यक दर्शन ज्ञान चरित्राणी। सम्यक दर्शन ज्ञान और चरित्र ये त्रिरत्न कहे जाते हैं जैन धर्म के, हम सभी जानते हैं। तो योग मार्ग में लगे हुए साधकों को रत्नों की आवश्यकता नहीं, उनके रत्न क्या थे, दर्शन, ज्ञान और चरित्र, यानी जो आपको योग मार्ग से रोक रहे हैं उनकी निवृत्ति ही आपका रत्न है। लोभ, क्रोध, मोह को जो दूर कर रहे हैं, यानी कि जो आपको योग में प्रतिष्ठित कर रहे हैं, आपकी एकाग्रता बढ़ा रहे हैं, आपकी दृढ़ता बढ़ा रहे हैं, वो आपके प्रत्याहार को पुष्ट कर रहे हैं, वो आपके रत्न हैं। तो एक योगी के रत्न ये हैं जो आपको योग में सफलता दिलाए। फिर तीर्थंकर था तीर्थ स्वरूप महापुरुष सद्गुरु का दर्शन, उनमें श्रद्धा स्थिर करें, उनकी साधन विधि को ज्ञात करें और उनको आचरण में डालें, यही त्रिरत्न है। पूज्य गुरुदेव के भी कहते थे कि सद्गुरु के समक्ष जो हृदय में है वही जुबां पे हो, हृदय में कुछ और जुबां पर कुछ, ऐसा साधक कभी सफल नहीं होगा। भगवान से कुछ छिपाया भी तो नहीं जा सकता। सबके उड़ंतर बसहूँ जानत भाव कुभाव, सबके अंदर वो बसा है, वो आपके सारी व्यवस्था को जान रहा है, आप सोच क्या रहे हैं, समझ क्या रहे हैं, करना क्या चाहे, तो पहले जानता है। महर्षि कहते हैं ईश्वर सबके हृदय में निवास करता है, वह भाव कुभाव सब कुछ जानता है। संकल्प बाद में उठते हैं, भगवान पहले ही बता देते हैं कब विजाती संकल्प आने वाले। तो यहाँ पे इसका वर्णन हुआ, त्रिरत्न हमने समझा, रत्न क्या होते हैं, अस्तेय क्या होते हैं, ये हमने समझा। आगे देखते हैं अब ब्रह्मचर्य का परिणाम। तो ब्रह्मचर्य के लिए महर्षि क्या कहते हैं, तो ब्रह्मचर्य प्रतिष्ठायाम वीर लाभ, इसका अर्थ समझेंगे, ब्रह्मचर्य में दृढ़ स्थिति हो जाने पे सामर्थ्य का लाभ होता है। तो कैसे सामर्थ्य का लाभ प्राप्त होता है, आगे देखते हैं। मात्र जननेन्द्रिय संयम ही ब्रह्मचर्य नहीं है, भगवान श्री कृष्ण के अनुसार हठ पूर्वक इंद्रियों को रोक कर किंतु मन से विषयों का चिंतन करने वाला दंभाचारी है, है ना। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ क्या कहा कि मन से अगर आप विषयों का चिंतन कर रहे हैं तो आप दंभाचारी है, मतलब झूठे हैं, आप वास्तव में योग मार्ग पे नहीं लगे हैं। तो आगे इसको समझेंगे। तो ब्रह्मचर्य क्या है, ब्रह्माचरति स ब्रह्मचारी, जो ब्रह्म के साथ विचरण करे वह ब्रह्मचारी है। तो ब्रह्मचारी का यहाँ पे एक अर्थ यहाँ पे निकलता है योग मार्ग में, जो ईश्वर के या गुरुदेव के साथ विचरण करे, उनके बताए हुए आचरण को अपने में ढाल सके, वास्तु में वो ब्रह्मचारी है। उदाहरण समझते हैं, आँखें दूसरा ना देखें, कान दूसरा न सुने, कानों से विषय उत्तेजक बातों को सुनकर, आँखों से उत्तेजक दृश्य को देखकर शरीर को बचाए रखना सर्प के मुंह में हाथ डालने के समान है। मतलब इतना आसान नहीं इस योग मार्ग में इस ब्रह्मचर्य को पालन करना। तो इसके लिए क्या करना है, आपको
पूरी तरह से जो आपको लोभ क्रोध मोह से दूर रखें, जो आपको एकाग्रता पढ़ाएं, जो योग मार्ग पे ले जाएं, उसको करना है। सकलेंद्रीय संयम है ना, यहाँ पे एक शब्द आप देखेंगे, ब्रह्माचरण से सतत चिंतन, ब्रह्माचरण से सतत चिंतन, फिर सकलेंद्रीय संयम सध जाता है और उसी से विशुद्ध ब्रह्मचर्य की अवस्था आ जाती है। सारे इंद्रियों जो आपकी आँख नाक कान त्वचा जिह्वा है, ये सभी सद जाए, आपका उन पर एकाग्रता जब आ जाती है तो वास्तव में वो ब्रह्मचर्य तब आता है, जिससे आपको पूरी तरह उस पर विजय की प्राप्ति करनी है। ब्रह्मचर्य में स्थिति दृढ़ होने पर वीर लाभ अर्थात सामर्थ्य का लाभ, तो आपका मन को जो निरोध करना है उसमें इंद्रियाँ आपकी विघ्न हैं, इन इंद्रियों पर जब आपको विजय की प्राप्ति होने लगती है, इन इंद्रियों पर आपका नियंत्रण होने लगता है, तो वास्तव में वह आपका ब्रह्मचर्य तब कहा जाता है योग की भाषा में। अब इसके आगे देखते हैं, फिर देखते हैं और थोड़ा समझते हैं। आत्मा का विलुप्त पराक्रम प्रकट होने लगता है, जिससे मन को हट से भजन में लगाना पड़ता था, सहज ही भजन में लगने की सामर्थ्य, किस प्रकार का सामर्थ्य आपको मिला इस ब्रह्मचर्य के पालन से, तो जो मन आपका निरोध करना है, वो जो भटक रहा है, जिसमें एकाग्रता की कमी थी, तो इस ब्रह्मचर्य से, इंद्रियों के संयम से, वो मन सहज ही उस भजन में, उस योग मार्ग में लगने लगता है, तो ये सामर्थ्य आपको प्राप्त होता है इस ब्रह्मचर्य के पालन से। विघ्नों के आने पर भी वो पीछे नहीं हटता, कई विघ्न आएंगे, कई रुकावटें आएंगी, फिर भी आप पीछे नहीं हटेंगे, उस योग मार्ग में, उस अपने कर्म में लगे रहेंगे। कुछ उदाहरण देखते हैं, तो मीरा पीछे नहीं हटी, मीरा जब भजन मार्ग में लगी, योग मार्ग में लगी, तो बहुत से विघ्न आए लेकिन नहीं हटी। जहर का प्याला सूली के सैया से भी वो विचलित ना हो पाए, प्रहलाद को जलाने की कोशिश की गई, समुद्र में डाला गया, हाथियों से कुचलाया गया, विघ्न आए और निकलते चले गए, साधक में अपने ध्येय पर अडिग रहने, यहाँ देखिए वो विषय आ गया, साधक में अपने ध्येय पर अडिग रहने का बल या सामर्थ्य आ जाता है। अब प्रयास पूर्वक मन को नहीं लगाना, मतलब अपने आप ये मन पूरी तरह संयत हो जाता है, एकाग्र हो जाता है, और इस ब्रह्मचर्य के पालन से वो सामर्थ्य आ जाती है कि आप अपने इंद्रियों पे नियंत्रण स्थापित कर ले जाते हैं। तो सकल इंद्री, इस ब्रह्मचर्य से क्या लाभ मिला, सकल इंद्री संयम प्राप्त होता है। आखिरी यम का जो आखिरी अंग है वो है अप्रिग्रह, अब इसको देखते हैं। तो महर्षि कहते हैं, सूत्र दिया है, अप्रिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, अप्रिग्रह स्थैर्य जन्म कथनता संबोध, इसका अर्थ क्या हुआ, अप्रिग्रह की दृढ़ स्थिति हो जाने पे जन्म कथनता संबोध, अर्थात पूर्व जन्म कैसे हुए थे इसका भली प्रकार ज्ञान हो जाता है। ये है अप्रिग्रह, अप्रिग्रह यम का जो आखिरी अंग है अप्रिग्रह, उसका अर्थ क्या निकल रहा है कि पूर्व जन्म, महर्षि के अनुसार पूर्व जन्म का ज्ञान हो जाता है। अब इसको समझेंगे, इसको क्या है, कुछ लोगों की मानता है कि आवश्यकता से अधिक वस्तुओं का संग्रह या न करना, कुछ भी न रखें, अप्रिग्रह है। वर्तमान में कुछ विश्लेषण ये आते हैं, अप्रिग्रह क्या है कि वस्तुओं का न संग्रह करना ही अप्रिग्रह है। तो एक उदाहरण समझते हैं, जंगल में निवास करने वाले आदिवासी जो जनता है, भोली वाली जनता है, प्रायः जीविकोपार्जन के लिए निकलते हैं, दिन भर में जो कुछ भी उनको प्राप्त हुआ, अर्जित किया, उससे इन कई प्रकारण वो अपनी उदर की पूर्ति करते हैं, भोजन की व्यवस्था कर पाते हैं, उनके घर खुले हुए हैं, जमीन पे वो सोते हैं, संग्रह के नाम पे कुछ बर्तन, एल्युमिनियम के एक छोटे मोटे बर्तन उनके पास रहते हैं, वो भी कमज़ोर रहते हैं, तो क्या उनको पूर्व जन्म का ज्ञात होता है, अप्रिग्रह मतलब जैसा आज वर्तमान में चल रहा है, अप्रिग्रह मतलब संग्रह न करना। तो वो आदिवासी जनता जो आज हमारे जंगलों में रह रही है, उनके पास कौन सा संग्रह है, उनके तो कोई संग्रह नहीं है, तो उनको पूर्व जन्म का ज्ञान होना चाहिए था। लेकिन महर्षि ने यहाँ पे इसका खंडन किया है, जंगल में निवास करने वाले आदिवासियों को पूर्व जन्म का ज्ञान तो क्या, उनको कल की भी बात नहीं पता रहती है। आइए इसको देखते हैं, सबके सब अप्रिग्रही हैं, जितने लोग हैं अप्रिग्रही हैं, कम सामानों का उनके पास व्यवस्था है, संग्रह नहीं है, पूर्व जन्म की बात तो दूर, कल क्या बीतेगी,
इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं हो, इसका भी उन्हें ज्ञान नहीं रह जाता। तो वास्तव में अपरिग्रह क्या है? तो सम्राट होते हुए राजर्षि जनक राजा थे, राजर्षि जनक, जनक राजा को सबने सुना है, वो अपरिग्रही कहे जाते थे। क्या कहे गए? अपरिग्रही थे। अपरिग्रह वस्तु संग्रह से उतना संबंधित नहीं है। अब वो विषय आता है कि अपरिग्रह है क्या, तो वह अपरिग्रह क्या है? वस्तु संग्रह से उतना संबंधित नहीं जितना चिंतन से। योग में क्या करना है? योग में आपको मन का निरोध करना है। तो ये मन का निरोध किससे होगा? इस मन की एकाग्रता कैसे होगी? ये तो मन का एकाग्रता चिंतन से होगा, ध्यान से होगा, धारणा से होगा, प्राणायाम से होगा। तो उसको करना है। चिंतन इतना उन्नत हो जाए कि उसके द्वारा नवीन संस्कारों का संग्रह ना हो। ये जो चिंतन है, हमने पहले भी अध्याय में पढ़ा था, इसी चिंतन से संस्कार बनते हैं। और ये चिंतन ही जब आपकी पूर्ण एकाग्रता बढ़ती है, आपका सामर्थ्य बढ़ता है, तो ये चिंतन इतना सूक्ष्म हो गया है कि ये नवीन संस्कार, नए विचार या संकल्प विकल्प नहीं उठने देते हैं। नवीन संस्कारों का संग्रह तो होता नहीं, फिर भी चित्त में पुराने संस्कारों के कारण विकलता बनी रहती है, जिससे भले बुरे संकल्प उठते रहते हैं। अब इस अपरिग्रह की अवस्था जब दृढ़ होती है तो नवीन संस्कार नहीं बन रहे हैं, लेकिन ये जो यात्रा है योग मार्ग में, जो कई जन्मों से चल रही है, तो वो पिछले चित्त की वृत्तियाँ क्या है, उन संस्कारों को ले कर चलती हैं। उससे क्या हो गया? तो संकल्प विकल्प आपके उठते रहते हैं। इस अवस्था में आने पर साधक को ज्ञात हो जाता है कि पूर्व जन्म में कितने संस्कार शेष हैं, उनका निदान और उनसे निवृत्ति कैसे प्राप्त होगी, इसका भी ज्ञान हो जाता है। तो इस प्रकार महर्षि ने यहाँ पर यम का पूरा स्थिति बताकर यम का पूर्ण विश्लेषण किया है। तो प्रिय छात्रों, आज हमने यम का पूरा विश्लेषण किया। तो यम के कितने अंग थे? 5 अंग थे, अहिंसा, सत्य, अस्तेय, ब्रह्मचर्य और अपरिग्रह। तो आज हमने इसको पूरा विश्लेषण किया है। आगे हम नियम को देखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।